इसकी, किधर गया पैसा जी बंदा है, क्या प्राइस है इसकी? 30% डिस्काउंट पे ब्लैक में, ये 2 पीस है ब्लैक में, 1 पीस आई हूँ मॉल्स को बंद करवाने, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, मुझे यकीन है अंदर बंद होना स्टार्ट हो गया होगा। और दूसरा, हमने रास्ता गलत ले लिया, अब हम वापस पैकेजेस में आ गए हैं और अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ नज़र आता है कि नहीं। वैसे आजकल सेल्स लगी हुई हैं, एथनिक पे लाजमी जाएंगे, वो आपको दिखाते हैं और जो कुछ रह गया वो फिर सुबह दिखाएंगे। ये है जी पैकेजेस मॉल, ये मॉल में यहाँ उतार दो, इसके अंदर से मैं जम मार जाती हूँ। सही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खाना खा के और अच्छा लगेगा। उसके साथ ग्रीन भी जो भी होता है वो और का बात है, ये बेसिकली डी है। जा रही हो 14,000 का फोन है ना, थोड़ा फैंसी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? बाकी व्लॉग तो मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगी जैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप पैकेजेस एम्पोरियम का मिक्स देख लें, क्योंकि जब हम पैकेजेस गए थे तो वो बंद हो रहा था और एम्पोरियम में भी जब हम आए तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आए, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सेल्स आई थिंक स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई वो क्या कहते हैं, फ्राइडे स्टार्ट हुआ है और जो भी है 11-11 सेल्स। और यहाँ देखें लाइम लाइट पे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन मुझे, मैंने तो यहाँ से कुछ बाय किया नहीं, मैंने बस ये थोड़ा सा देखा है। मुझे बेसिकली जो लाइम लाइट पसंद है, मुझे फैसलाबाद वाली पसंद है। पता नहीं क्या, बाज़ दफ़ा मैं कहती हूँ कि जो दुकान की सेटिंग होती है वो बड़ी मैटर करती है शॉपिंग पे। ये जो बिल्कुल ही कबाड़ सा मचा देते हैं, हर चीज़ इकट्ठी नज़र आनी शुरू हो जाती है ना, मुझसे कुछ पसंद ही नहीं होता। लेकिन जो फैसलाबाद वाली लाइम लाइट है वो बड़ी तरीके से उनके कपड़े लगे होते हैं, वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। जैसे बाज़ जगहों पर मुझे खाड़ी अच्छी लगती है, किसी सिटी में मुझे अच्छी नहीं लगती उनकी शॉप, क्योंकि सेटिंग का बड़ा मुझे लगता है असर होता है। मारिया भी जो है फैसलाबाद में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई हुई, मतलब वो शॉप मुझे बड़ी पसंद है। अब यहाँ मैं जाऊँ पैकेजेस में तो खैर मारिया भी शायद है नहीं एम्पोरियम में, तो ये मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसे लगता है जैसे भरी खड़ी और ओवर उसमें वो कपड़े हुए खड़े, कुछ समझ ही नहीं आती यहाँ पर। लेकिन ये कि जो फैसलाबाद वाली है वो बहुत मज़े की है। तो यहाँ ये देखें, ये जनाब हैं जी कपड़े, कहाँ के हैं कपड़े, ये हैं जी एथनिक के कपड़े, जब हम रात में गए थे हमने वहाँ देखे थे। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, कुछ डिस्काउंट्स जो स्पेशल रेट्स हैं वो भी अलग से हैं, पर न्यू अराइवल भी आई हुई है, तो जिनको एथनिक पसंद है वो ले सकते हैं। या हमने बस इतना थोड़ा टाइम था कि उन्होंने दुकान बंद करनी स्टार्ट कर दी थी, हम एंटर हुए और वो बंद होना स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब आधी उन्होंने बंद कर दी थी। और ये जी नेक्स्ट डे जी हम लोग गए थे जब एम्पोरियम में, वहाँ पर सना सफीना और ये वापसी पे देखिए धुंध अभी से अंदर आ चुकी है, मतलब अभी मगरिब का टाइम हुआ है और धुंध आ गई है। हमने अभी वापसी का सफ़र भी करना है, तो ये मैंने आपको बस शॉर्ट, मैंने सोचा कपड़ों का मैं आपको स्टार्ट में दिखा दूँ, बाद में अपना व्लॉग में स्टार्ट करूँ। चले आए मॉल को बंद करवाने, मैंने चप्पल बदली है, अंदर से वाइट है तो बाहर से काले कैसे काले हैं? को पहले से काले हैं? अच्छा, ये नहीं, ये वो वाले नहीं, ये कलर ही दूसरे। अच्छा अच्छा, चलो गाइस तुम सुनाओ गाइस। बस जी पहले दिन ही हम पहुँचे हैं लाहौर और बस वो गाड़ी देखी, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं पैकेजेस। और पैकेजेस जैसे मतलब कह रहे हैं कि 8 बजे बाद, मैं स्टार्ट में भी बता दिया, तो यहाँ अभी देखते हैं मैं कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ कि नहीं। और बच्चों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, अगर बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि 8 बजे अगर बंद होना स्टार्ट हो जाता है तो 8 तो बजने वाले हैं। अभी हम पहुँचे हैं, अब देखें रश कितना है, मतलब अभी कह रहे हैं लाहौर में इतनी स्मोग है, धुंध है उसके। और यहाँ देखें केसरिया पे काफ़ी प्यारे ड्रेसेस आए हुए हैं और बाज़ ड्रेसेस के ऊपर डिस्काउंट भी है, क्योंकि इधर भी सेल लगी हुई है। एथनिक पे न्यू अराइवल इनकी बड़ी अच्छी आई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, रेट्स मैं नहीं बताऊंगी, वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, खुद जाके भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा है, लेकिन टाइम इतना कम है कि मैं नहीं ले सकी। इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि इतनी जल्दी मेरे से डिसीजन नहीं होता कि मैं ये चीज़ ले लूँ।
उन्होंने जी वो क्या शटर कहते हैं क्या कहते हैं वो बंद करना स्टार्ट भी कर दिया था, जो बस अंदर फिर रहे थे लोग फिर रहे थे, अदरवाइज उन्होंने शॉप बंद करनी स्टार्ट कर दी थी। कुछ समझ नहीं लग रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे इधर आओ भाई, बच्चे ही कुछ पसंद कर लें, बच्चियाँ ने जो चीज़ लेनी है वो ले लें, लेकिन उनसे भी यहाँ से कुछ नहीं लिया, लेकिन कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं घर जा के ऑनलाइन बाय कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे देखे हैं। ज़ाहिर वो फिर स्टफ़ का पता लग जाता है जब आप मतलब लाइव देख रहे होते हो, तो आपको लेना ज़रा इसलिए ईजी हो जाता है कि स्टफ़ का अंदाज़ा हो जाता है, जब आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो स्टफ़ का ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं होता। ये देखें ये कितना प्यारा है, और अभी ये घर आके जब वीडियो एडिट कर रही तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे। तो ये है जनाब एथनिक, फ़ोन है ना थोड़ा फैंस। तो गाइज एथनिक पहले तो मैं लेती नहीं थी, अब जब से मैंने उनके स्टिच लेने स्टार्ट किए हैं ना, तो मुझे लगता है उनके एक अपना स्टाइल है। ये इनकी ज्वेलरी भी बहुत प्यारी आई हुई है, और इनके कपड़े डिज़ाइनिंग इनकी डिफरेंट है सबसे, और काफ़ी अच्छे लगते हैं, कलर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। यानी जिसने एथनिक पहना होता है पता लग जाता है इसने एथनिक पहना होता है, मतलब सारे ब्रांड्स का अपना अपना एक स्टाइल है, खाडी का, एथनिक का, लाइम लाइट का। तो बड़े प्यारे प्यारे ये ड्रेसेस सारे के सारे एथनिक के, और ये शॉप बंद हो रही है और हम जा रहे हैं हम शॉप से बाहर, इतना टाइम ही हम अंदर रुक सकें। ये देखिए मॉल बंद हो रहा है, बस ये देखिए शॉप्स बंद हो रही हैं। तो यहाँ से बस सामने यहाँ पे केसरिया, मैंने कहा चलो देख लूँ ले कर लूँगी अगर मैं आ सकी तो। ये यहाँ पे जी केसरिया पे 30% डिस्काउंट है, ये शर्ट देखिए 2 पीस है और इस पर भी 30% ब्लैक में है, ब्लैक मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। और ये बाकी सारे कलर्स भी अभी यहाँ से भी कुछ बाय नहीं किया, मैंने कहा बस देख लूँ कि किस तरह के हैं यहाँ पे कपड़े। बस ये अब हम सब आ गए हैं, शॉपिंग तो हुई नहीं, मतलब ज़ीरो शॉपिंग, और अब हमने सोचा हम क्या करें ऐसे घर जाने के बजाय। अभी तो 8 बजे 8:30 का टाइम है, तो हम मूवी देखते हैं कौन सी मूवी लगी हुई। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सिनेमा की तरफ जो है मॉल के अंदर, की मूवी कौन सी लगी हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं चल के कौन सी मूवी है। मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी अभी आज एक मूवी लग रही है ग्लेडिएटर्स, वो देखते हैं वो कैसी है। ये देखें खाड़ी, बस पास से ही गुजर रहे हैं खाड़ी की, ले कुछ नहीं सकते, बस देख सकते हैं। सारा मॉल ही बंद हो गया 8:30 बजे, क्या अजीब बात है 8:30 बजे लाहौर बंद। बच्चे पॉपकॉर्न्स खाते हुए, शॉपिंग तो हुई नहीं। मैं चलें जी गाइस हम जा रहे हैं ग्लेडिएटर्स। कौन सी फिल्म है भाई? ग्लेडिएटर्स। अच्छा ठीक हो गया, चलो जी मैं बस जी मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत मज़ा आया मूवी देख के, और सिनेमा पे तो वैसे ही मज़ा आता है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, भूख बहुत लगी हुई है, बच्चों को भी मुझे भी सबको बहुत भूख लगी हुई है। आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। कौन सी मूवी देखी आपने? आपको अब कौन सी है? ये कब आ रही है? 1 नवंबर ही तो लग गई हुई है। कैसी लगी? इधर ऊंचा बोले। बहुत अच्छी थी। क्या कौन सी मूवी देख के निकल रहे हैं आप? ऊंचा तो बोल। और तो दसन जोगा भी नहीं, तू तो सह गया हूँ। दस ओए मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। पसंद आई आपको ये मूवी? और अब बच चुके हैं जी रात के तकरीबन 12, और हम आए हुए हैं जी घनी शनवारी पे। ये वैसे तो 8 बजे हर चीज़ बंद होती है, लेकिन बस खाना मिल जाता है कहीं ना कहीं से। तो इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे भाई कि बड़ी अच्छी इनकी शनवारी है और बड़ा मज़े का खाना है, तो हमने सोचा कि आज इसको ट्राई करते हैं। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और फ़र्स्ट टाइम इसको टेस्ट करना है, चलते अंदर चल के देखते हैं कैसा है। नीचे भी बैठ सकते हैं। पूछ ले, ये सिटिंग काफी अच्छी है ना? शाबाश, वो ऊपर ही कह रहे हैं। सही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खा के और अच्छा लगेगा ना? अभी खाना है। हाँ खोलो, मैं देखूँ। खोल इसको, खोल। चलो मुझे दिखाओ, मैं ऑर्डर करती हूँ कुछ ना कुछ। क्या ऑर्डर, क्या करना है ऑर्डर? जल्दी बूट ब्लॉक ना बढ़न देवी, साढ़ा ब्लॉक पहले बढ़न दे। ये बच के ना ले जाएंगे, ले गया था पहले।
दो दफा ले क्या खाया थ्री टाइप्स की चटनी चाहिए डाइनिंग टेबल पे ऑर्डर किया था तो वहीं पे जी खाने में ये बड़ी मज़ेदार शनवारी बहुत ही मज़े की जितनी मज़े की ये लग रही है इतनी मज़े की ये शनवारी है। साथ हमने ये नान उनकी जो स्पेशल रोटी है वो ऑर्डर हुई हुई है भाई लोगों ने पहले खाए हुए थी मैंने नहीं पहले टेस्ट की थी मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ। साथ जी हम लोगों ने कोई स्पेशल उनका जो पुलाव काबली पुलाव यस वो भी मटन वाला वो ऑर्डर किया साथ हम लोगों ने इनका नमकीन गोश्त ऑर्डर किया और चपली कबाब और हर चीज़ मेरे टू मच बहुत बहुत मज़े और ये चटनी है ना जो इतनी एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही वो बाद में मुझे बिल में पता लगा कि इनके भी वो अलग अलग पैसे लगाते हैं इसलिए लोग उठा के ले जाते हैं अपने खाने की पैकिंग के साथ फेंकते नहीं ज़ाया नहीं करते वैसे अगर यूज़ ना करें तो वो लोग वापस भी ले लेते हैं ये मतलब वो अगर आप यूज़ ना करें तो फिर बिल में नहीं ऐड करते लेकिन आके रख जाते हैं ज़्यादा सारे तो ये देखें कितना खूबसूरत है काबली पुलाव और साथ ही नमकीन रोश नमकीन मटन क्या बात है मगर मुझे तो या हमें भूख बहुत लगी हुई थी या खाना वाकई में बहुत मज़े का था मतलब मटन आउट क्लास मैंने अब तक मतलब जहाँ जहाँ से शनवारी खाई है ना ये शनवारी मुझे सबसे अच्छी लगी है और ये चपली कबाब मुझे ऐसे कोई इतने पसंद नहीं लेकिन मैंने टेस्ट किए थे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था स्मेल नहीं थी बीच में अक्सर लें ना बाहर से तो बहुत अच्छे नहीं होते तो हमने खाना बहुत इंजॉय किया एस एस भाई जान को बहुत मिस किया क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है किसी दिन आएँगे उनके साथ स्पेशली एक यहाँ पर हमने आना है एक हमने खान बाबा पर जाना है उनके साथ क्योंकि उनके साथ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। एंड पे ये देखिए जी इनका स्पेशल कहवा पठानों वाला ये आ गया ये भी अच्छा है नॉट बैड साथ वो गुड़ भी था लेमन भी और ये कहवा ये भी बहुत अच्छा था। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें जी गनी शनवारी ये बहरिया टाउन में भी है और जौहर टाउन वाली साइड पर भी है मेरा ख्याल में और जी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है इस व्लॉग लंबा हो जाएगा मेरे से एडिटिंग नहीं हो रही टाइम नहीं मेरे पास तो व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट फिर दोबारा कह रही हूँ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू टेक केयर दुआओं में याद रखें अपना ख्याल करें और जल्द जल्दी जाके शॉपिंग भी करें आजकल बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं।